नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन है ईएस बैंक का, टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। देखिए, स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 390 के आसपास टॉप ट्रेड किया था एंड आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल लेवल 6 के आसपास बॉटम फॉर्मेशन किया था, जो कि था ईयर 2020 में। एंड आफ्टर ईयर 2020 देखिए प्राइस यहाँ पे इस रेंज के अंदर कंसोलिडेशन हो रहा था। जब भी रेंज का अपर बाउंड्री को टेस्ट किया है, देखिए प्राइस को वहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है एंड रेंज का लोअर बाउंड्री से मल्टीपल टाइम डिमांड मिला है। एंड फाइनली यहाँ पे मल्टीयर का कंसोलिडेशन के बाद देखिए यहाँ पे रेंज को ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट करने के साथ देखिए प्राइस जब भी यहाँ पे इस रेड लाइन को टेस्ट किया है ना, देखिए प्राइस को हमेशा से यहाँ पे डिमांड मिला है। इसका मीनिंग है कि स्टॉक का प्राइस के लिए रेड लाइन हो गया एक मोमेंटम लाइन एंड मल्टीयर का सपोर्ट लाइन। एंड एग्जैक्टली देखिए येस बैंक स्टॉक का प्राइस उसका मल्टीयर का सपोर्ट लाइन के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है एंड जिस टाइप का स्ट्रक्चर शो कर रहा है, अगर स्टॉक का प्राइस यहाँ पे मल्टीयर का सपोर्ट लाइन को होल्ड कर लेता है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है और यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट बनेगा 32 का। दिस स्विंग हाई को टेस्ट करेगा एंड 32 को ब्रेकआउट करने के बाद जो सेकंड टारगेट बनेगा वो बनेगा 72 को। देखिए प्राइस ऑलरेडी मल्टीयर का कंसोलिडेशन कर चुका है टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज एंड जिस टाइप का यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद अभी रिटेस्ट कर रहा है, इस लेवल को होल्ड करता है तो आने वाले टाइम में आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग सेटअप शो कर रहा है, अगर आपके पास है होल्ड करना चाहिए, पोटेंशियल हाई है कि बड़ा टाइम फ्रेम में स्टॉक का प्राइस 72 को टेस्ट करने का। अगर अब हम क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू देखिए यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर ग्रोथ लगभग फ्लैट है, लेकिन ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर 6714 से जंप किया है 7737 करोड़ का। नेट प्रॉफिट देखेंगे ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर 229 करोड़ से जंप किया है 567 करोड़ का। नेट प्रॉफिट में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर 516 करोड़ से जंप क्या है 567, जो कि लगभग आप यहाँ पे माइनर मान सकते हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जाएंगे, एफआई देखिए यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 27%, डीआई यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 38%, डीआई यहाँ पे शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किए एंड पब्लिक के पास माल है नियरली 34%, जो कि स्लाइडली हायर साइड के ऊपर है, लेकिन लोअर रिस्क जोन में ट्रेडिंग कर रहा है जो कि मल्टीयर का सपोर्ट है। अगर इस लेवल को होल्ड करता है तो बाउंस करके 72 को टेस्ट कर सकता है। उसी हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड क्वांटिटी को खुद का एनालिसिस को ऐड कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ लेटेस्ट एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।